हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टाइम पे हमने आपको आरएसी में सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताया था और आज आपका जो पिछले टाइम पे हमने बताया था कि आर्टिफिशियल मेथड में हमने आपको पांच मेथड बताए थे, तो उस पांच मेथड में जो पहला मेथड था सिंपल एयर इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम और दूसरा जो मेथड था वो था बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आज हम इन दोनों रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला आपका है सिंपल एयर इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सिंपल एयर इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के तरह ही होता है, बस उसमें चेंज सिर्फ इतना होता है कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक हीट एक्सचेंजर था और हीट एक्सचेंजर से बाहर निकलने वाली जो एयर थी, ठंडी एयर थी, वो सीधे आपके टरबाइन के अंदर भेज दी जाती, कूलिंग टरबाइन में भेज दी जाती थी। लेकिन यहां पर इस हीट एक्सचेंजर के बाद एक दूसरी डिवाइस इवापोरेटर लगा दी गई है। इवापोरेटर सिर्फ इसलिए लगाया गया है जिससे कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो अधिक से अधिक प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसका फंक्शन सेम उसी तरह से है। सबसे पहले ये आपके एटमॉस्फेयर की एयर है जिसको हम एम्बिएंट एयर बोलते हैं। इस एम्बिएंट एयर को सिस्टम के अंदर लाएंगे और उसको रैम्ड एयर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एम्बिएंट एयर की रैमिंग करेंगे जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इस रैम्ड एयर को मेन कंप्रेसर के अंदर भेजते हैं। मेन कंप्रेसर के अंदर उसको आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया जाता है, मतलब उसके टेम्परेचर और प्रेशर को काफी बढ़ाया जाता है। कंप्रेस्ड एयर जब मेन कंप्रेसर से आगे बढ़ती है तो कुछ पार्ट ये यहां से हीट एक्सचेंजर के अंदर आती है और कुछ पार्ट इस कंबस्टन चैम्बर के अंदर आता है जहां पर ये बर्न होता है। बर्न होने के बाद यहां से जो हीट जनरेट होती है उस हीट का यूज गैस टरबाइन को चलाने के लिए करते हैं और गैस टरबाइन के चलने से आपका मेन कंप्रेसर चलता है। अब इसके बाद ये जो कंप्रेस्ड एयर है जो हीट एक्सचेंजर के अंदर आती है तो हीट एक्सचेंजर के अंदर यहां से आने वाली एयर के थ्रू उसको कूल कर देते हैं। अब ये कूल्ड एयर जब इवापोरेटर के अंदर जाती है तो इवापोरेटर के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट भरा होता है, वो रेफ्रिजरेंट इस कूल्ड एयर को और भी ज्यादा कूल कर देता है। तो और भी ज्यादा कूल होने के बाद एयर यहां से ये कूलिंग टरबाइन में आएगी, कूलिंग टरबाइन में उसका एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के बाद एयर टू केबिन, मतलब उस केबिन में भेज दिया जाता है जहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। अब इसके बाद ये यहां से जो आपका ये एयर है इस मतलब कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करने के बाद यहां से बाहर आ जाएगी और फैन के थ्रू फिर से एटमॉस्फेयर में भेज दी जाएगी। अब ये फैन चलता है तो फैन के चलने से ये आपका कूलिंग टरबाइन भी चलती है। तो ये रहा आपका सिंपल एयर इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वर्किंग फंक्शन। अब इसके बाद हम बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो यूज किया जाता है वो आपके जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक हीट एक्सचेंजर की जगह पर दो हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं, बाकी सारा प्रोसेस करीब करीब सेम है। इसमें भी सबसे पहले यहां से एम्बिएंट एयर इस सिस्टम के अंदर आती है जिसको हम रैम्ड करते हैं, यानी रैम्ड एयर में कन्वर्ट करते हैं। रैम्ड एयर का प्रेशर और टेम्परेचर एम्बिएंट एयर से ज्यादा होता है। इसके बाद ये मेन कंप्रेसर में आता है, मेन कंप्रेसर में उसको फिर से कंप्रेस करते हैं और ये कंप्रेस्ड एयर कुछ पार्ट यहां पे इधर आता है, कुछ पार्ट इस कंबस्टन चैम्बर में जाता है। कंबस्टन चैम्बर में उसके बर्न होने के बाद जो हीट जनरेट होती है वो हीट इस गैस टरबाइन को चलाने में यूज की जाती है। अब ये कंप्रेस्ड एयर यहां पे आती है पहले हीट एक्सचेंजर में, तो पहले हीट एक्सचेंजर में यहां से जो एयर आएगी वो इस कंप्रेस्ड एयर को ठंडी करेगी। ये ठंडी एयर फिर से यहां पर आएगी सेकेंड कंप्रेसर में, मतलब यहां पर इसको फिर से कंप्रेस किया जाएगा। सेकेंड कंप्रेसर में कंप्रेस करने के बाद इसको फिर से सेकेंड हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं और सेकेंड हीट एक्सचेंजर में फिर से इस कंप्रेस्ड एयर के हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब इसको कूल एयर में कन्वर्ट किया जाता है। कूल्ड एयर यहां से आती है कूलिंग टरबाइन में उसका एक्सपेंशन होता है और कूलिंग टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद ये कूल्ड एयर
उस केविन को भेज दिया जाता है जहां पर उसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। और ये जो आपका सेकेंड कंप्रेसर होता है इसको चलाने के लिए आपकी कूलिंग टरबाइन यूज की जाती है। इस कूलिंग टरबाइन की हेल्प से सेकेंड कंप्रेसर आपका चलता है। तो इस तरह से अगर हम इस बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें आपके टोटल 7 प्रोसेस होते हैं। वो 7 प्रोसेस हैं कौन कौन से? पहला प्रोसेस आपका एम्बिएंट एयर को रैम्ड एयर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम आइसेंट्रोपिक रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक रीमिंग प्रोसेस में मतलब यहां से यहां 1 से 2 में इस एम्बिएंट एयर को हम आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब प्रोसेस 2 to 3 मतलब रैम्ड एयर आपकी मेन कंप्रेसर में जाती है। तो जब रैम्ड एयर मेन कंप्रेसर में जाती है तो उस मेन कंप्रेसर में उसको आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया जाता है। इसको हम आइसेंट्रोपिक संपीड़न प्रक्रम बोलते हैं। और ये आइसेंट्रोपिक संपीड़न प्रक्रम जो होता है ये मेन कंप्रेसर के अंदर होता है। इसके बाद प्रक्रम 3 to 4 प्रक्रम 3 to 4 में इस कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर को ठंडा कहां करेंगे? इस फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो ये कंप्रेस्ड एयर इधर से इधर आएगी और कुछ एयर इधर जाती है कंबस्टन चैम्बर में जो बर्न होती है और इस गैस टरबाइन को चलाती है। अब ये कंप्रेस्ड एयर प्रोसेस 3 to 4 हीट एक्सचेंजर के अंदर आएगा, जहां पर कंप्रेस्ड एयर की हीट को हीट एक्सचेंजर एब्जॉर्ब करके उसको बाहर निकालेगा। और ये कंप्रेस्ड एयर ठंडा होने के बाद यहां से आगे बढ़ेगी, और यहां से आगे बढ़ने के बाद ये कंप्रेस्ड एयर जब इस सेकेंड कंप्रेसर के अंदर आती है तो आपका प्रोसेस यहां से यहां तक प्रोसेस 1 से 2 है, ये 2 to 3 और 3 to 4 आपका प्रोसेस 3 to 4 है ये फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर है। और जो एयर यहां से इधर आती है इस कंप्रेसर के अंदर वो प्रोसेस आपका 4 to 5 होता है। मतलब इस कूल्ड एयर को फिर से सेकेंड कंप्रेसर के अंदर आइसेंट्रोपिकली फिर से कंप्रेस करते हैं, फिर से संपीड़ित करते हैं, उसके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाते हैं। ये कंप्रेस्ड एयर फिर यहां से सेकेंड हीट एक्सचेंजर के अंदर जाती है, जहां पर कंप्रेस्ड एयर का फिर से शीतलन किया जाता है। मतलब सेकेंड हीट एक्सचेंजर के अंदर उसको हम ठंडा करते हैं। अब यहां से ठंडी एयर जब आगे टर्बाइन पहुंचेगी तो वो प्रोसेस 6 to 7 होगा। इस 6 to 7 प्रोसेस के अंदर कंप्रेस्ड एयर का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने पर वो बहुत ही ज्यादा आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन होता है, जिससे बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। अब इस कूल्ड एयर को एयर केविन में भेजते हैं, जहां पर कूल्ड एयर उस सिस्टम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, मतलब वहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये हीट एक्सचेंजर होते क्या है? हीट एक्सचेंजर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके हेल्प से हम हीट का एक्सचेंज करते हैं। तो यहां पर आपकी जो कंप्रेस्ड एयर यहां पर आ रही है, इस कंप्रेस्ड एयर की हीट को ये हीट एक्सचेंजर एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल रहा है यहां से आने वाली रैम्ड एयर के थ्रू। तो इस तरह से आपका आर्टिफिशियल मेथड में 2 प्रोसेस हो गए, एक सिंपल एयर इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दूसरा आपका बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बाकी जो आपके 3 मेथड बच रहे हैं उसको नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।